गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो श्रृंखला आपके लिए बनाई जा रही है, क्योंकि क्लासेस जो सामान्यतया होती थी वो नहीं हो पा रही है, कॉलेजेस अभी नहीं खुले हैं, तो उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, जिनके पास अंग्रेजी साहित्य विषय है और उसमें पेपर सेकंड में जो नॉवल है द गाइड, उस पर जो एक क्वेश्चन बनता है ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी थीम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप कि आदमी के अंदर संबंध में खास करके सेक्स एंड मनी एज द बेसिस, कि सेक्स और मनी दोनों आधार होते हैं आदमियों के अंदर आपस में संबंध स्थापित करने, या सेक्स और मनी क्या रोल प्ले करते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप में, या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि राजू रोजी रिलेशनशिप पर आप अपनी टिप्पणी लिखिए या अपने विचार लिखिए, आप उस किस प्रकार लेखक ने उसको प्रस्तुत किया है आदि आदि, यानी कि ह्यूमन रिलेशनशिप में सेक्स और मनी का क्या भूमिका होती है और राजू रोजी रिलेशनशिप में इसमें कैसे प्रस्तुत किया गया है गाइड के अंदर। ये क्वेश्चन ज्यादातर तो राजू रोजी रिलेशनशिप या ह्यूमन रिलेशनशिप के रूप में ही आते हैं। अब आते हैं लेखक के बारे में। जो आर के नारायण का जो जन्म है 1906 में और डेथ हुई 2001 में, इसका जो पूरा नाम था वो था रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, लेकिन जब ये पब्लिशर के पास जाता शुरुआत में इसको कोई सफलता नहीं मिली, किसी पब्लिशर ने इसकी रचनाओं को छापने की मतलब कह लीजिए कृपा नहीं की या मदद नहीं की, तो ग्राहम ग्रीन से जब इसकी मुलाकात हुई तो ग्राहम ग्रीन ने पहला सुझाव उसको यही दिया कि वो अपना नाम जो है छोटा करे, तो उसके सजेशन पर उसके सुझाव पर रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी ने अपना नाम आर के नारायण कर लिया और तभी से वो आर के नारायण के नाम से जाना जाता है। वो इंग्लिश भाषा में लिखने वाले जो नॉवलिस्ट हैं उनमें से वो इंडिया का ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट माना जाता है आर के नारायण को, और आर के नारायण को तो हम इसके बारे में जानेंगे ही नॉवल के बारे में। एक चीज के लिए और जाना जाता है कि इसने जितने भी अपने उपन्यास लिखे, काल्पनिक सिटी बनाई जिसका नाम था मालगुडी, उसके आसपास ही वो अपने करेक्टर को डेवलप करता है और कहानी को बुनता है। उसमें खास बात देखने को हमें ये मिलती है कि वो सामाजिक मुद्दों को बहुत ही सरल तरीके से रीडर के सामने रखता है और रोजमर्रा की जिंदगी की जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी समस्या को बड़ी सिंपल ढंग से हमारे सामने रख देता है। इसकी जो तुलना है, लेखक की तुलना खास करके विलियम फॉकनर से की जाती है, क्योंकि दोनों की रचनाओं में हुमर और जो एनर्जी है वो ऑर्डिनरी लाइफ से ली जाती है और मानवता को दर्शाया जाता है इसकी उपन्यासों। मुल्कराज आनंद और राजा राव के साथ मिलकर आर के नारायण त्रिमूर्ति बनते हैं इंडो एंग्लियन लिटरेचर की, और आर के नारायण को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने अंग्रेजी भाषा के का प्रयोग किया जिससे कि दुनिया का इंटरेस्ट, दुनिया की रुचि भारत में उत्पन्न हुई। अब हम आते हैं इसके उपन्यास के बारे में। जो गाइड है मोस्ट पॉपुलर उपन्यास है आर के नारायण का, इसको 1958 में लिखा और इसको 1960 में साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला। इसको नारायण की महान कलाकृति माना जाता है और इसकी इतनी पॉपुलरिटी है कि इसको दुनिया के लगभग हर भाषा में इसका अनुवाद हुआ है और हर यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाया जाता है। ये कह सकते हैं हम कि ये इमोर्टल क्लासिक ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर हो गया, कि अंग्रेजी भाषा या भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का जो लिटरेचर है उसका एक हिस्सा बन गया है। इसमें ईस्ट के लोगों के लिए अलग से इसकी अपील है और वेस्ट के लोगों के लिए इसमें अलग से अपील है। इसमें एक एरोमा ऑफ टिपिकल इंडियन लाइफ है, मतलब
हमें हर जगह भारतीयता देखने को मिलती है. द नॉवल इज थोरली इंडियन, पूर्ण रूप से इंडियन है, नॉट ओनली इन इट्स करेक्टर बट ऑल्सो इन इट्स थीम सीन और आइडियाज. पात्र ही नहीं, इसके जो सीन है, विचार जो इसके अंदर प्रस्तुत है, सब भारतीय है. द नॉवलिस्ट जो है इंडियननेस, सामाजिक और आर्थिक जो कंट्री का उस जमाने का जीवन था उसके रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने में सफल रहा है. वो इंडियन सोसाइटी कैसी थी 30s में उसको दिखाता है और उसने बताया कि किस प्रकार सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, धार्मिक स्तर की जो वैल्यूज थी उनमें क्या क्या बदलाव 1930s में आ रहे थे. नॉवल जो है एक ट्रायंगल लव स्टोरी है जिसमें हस्बैंड है, पत्नी है और इनफेस्ट लवर. इनफेस्ट लवर का आप ये कह सकते हो ट्रबलसम व्यक्ति कह सकते हो या पैरासाइट कह सकते हो, जो कि समस्याएं ही खड़ी करता है. अब जो टाइटल है वो बहुत ही सुटेबल है और सजेस्टिव है. सजेस्टिव का मतलब पुट द आइडिया इनटू माइंड, क्लियरली दिमाग में बैठाता है, क्योंकि इस कहानी का जो प्रोटोगोनिस्ट है, मुख्य पात्र है, वो अपना कैरियर की शुरुआत एक टूरिस्ट गाइड से शुरू करता है और धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल गाइड में परिवर्तित हो जाता है या अंत उसका स्पिरिचुअल गाइड के रूप में होता है. तो थीम जो है इस थीम इस बात पर आधारित है कि अगर कोई व्यक्ति साधारण से साधारण व्यक्ति हो कंपल्सिव सर्कमस्टांसेस में परिस्थितियों में घिर जाए तो वो बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी और स्पिरिचुअल स्टेचर प्राप्त कर सकता है. इसके साथ इसमें लव और इन मैरिज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द थीम ऑफ द नॉवल, क्योंकि लव का क्या रोल होता है, शादी में क्या क्या समस्याएं आती है उसका भी इसमें कह सकते हो हमें देखने को मिलता है. इस थीम पर भी लेखक के विचार देखने को मिलते हैं. और जो इंटरेक्शन है द कॉज और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लव एंड मैरिज इज ब्यूटिफुली डिपिक्टेड, बहुत ही शानदार ढंग से उसने दर्शाए है. आर्ट इज अनदर इम्पोर्टेंट थीम ऑफ द नॉवल, कला भी तो लगा रहता है मार्को. मार्कोस डिवोशन टू आर्ट इज कंप्लीट, सो इज रोजी. रोजी अपनी कला डांसिंग के प्रति समर्पित है और मार्को अपने मूर्तियों में. बट देर इज ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट पेव्स द वे द रिफ्ट, मतभेद इन द रिलेशनशिप एंड फाइनली ड्रिफ्टिंग अपार्ट. लेकिन दोनों में वो है, उनको फिर मतभेद शुरू हो जाते हैं और आखिर में अलग अलग हो जाते हैं. राजू इज एन आर्टिस्ट, राजू अपने आप में एक कलाकार है, दो ही इज बेसिकली इनक्लाइन टू कॉमर्शियलाइज, वो अपनी कला का व्यापारीकरण करता है, मतलब पैसे के लिए यूज करता है. द फॉर्मल प्लॉट ऑफ द नॉवल पोर्ट्रेज द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ इट्स हीरो, हीरो कह लीजिए, प्रोटोगनिस्ट कह लीजिए, मुख्य पात्र कह लीजिए, उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है राजू के जीवन में वो कहानी है. द स्टोरी मूव साइमल्टेनियसली ऑन टू प्लेन्स, द पास्ट एंड द प्रेजेंट. ये लेखक का एक तरीका है कहानी को कि कभी फ्लैशबैक में कभी वर्तमान में, क्योंकि दो कहानियां हैं राजू से रिलेटेड, एक तो राजू रोजी की कहानी एपिसोड है, दूसरा राजू एज ए स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल गाइड से शुरू वर्तमान की कहानी है और राजू रोजी रिलेशनशिप को पास्ट में है, तो पास्ट वाली कहानी को बीच बीच में फ्लैशबैक टेक्निक के द्वारा दर्शाता रहता है. द नॉवल हैज टू वुमन टुगेदर, दोनों वो है presence of its common hero एक ही है. The first episode is about Raju's relationship with Roji and Marco and the second episode is about Raju's becoming a spiritual guide. R.K. Narayan has always been a student of human relationship, मानवीय संबंधों का student बन अध्ययन करता रहता था. In his novels he deals with such simple relationship as the relationship between स्टूडेंट्स एंड टीचर. वो अपने उपन्यास में दिखाता है विद्यार्थी और टीचर में क्या रिलेशनशिप होता है, एज द रिलेशन बिटवीन फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स में, क्लासमेट तो सब कोई भी हो सकता है लेकिन फ्रेंड्स होता है कॉमन, और रिलेशनशिप विद इन द फैमिली बिटवीन फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ एटसेट्रा. इन पर वो बहुत ही स्टडी करता है समाज को और अपने उपन्यासों में दर्शाता है. दीज रिलेशनशिप यूजुअली टर्न अराउंड सेक्स एंड मनी, इनको में सेक्स और मनी का इम्पोर्टेंट भूमिका होती है. दिस इज ऑल्सो द केस विद द गाइड, और जो हमारा गाइड जो उपन्यास है उसमें भी यही बात है. यानी कि ये कह सकते हैं कि उसका जो भूमिका है वो पूरी वो इम्पोर्टेंट है. राजू रिलेशनशिप फॉर्म्स द बैकबोन, मतलब रीड की हड्डी है ऑफ द नॉवल इन टर्म्स ऑफ अपॉन सेक्स एंड मनी. और जो इस
डॉल के अंदर राजू रोजी रिलेशनशिप है, वो तो बैकबोन है, उसके बिना तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या कहानी है। रोजी कम्स टू मालगुडी विद हर हस्बैंड फॉर साइट सीइंग, वो तो साइट सीइंग के चक्कर में आती है, मार को आता है स्टडी के लिए। राजू इज ए टूरिस्ट गाइड देयर, ही इज फैसिनेटेड बाय हर ब्यूटी, मतलब मोहित हो जाता है उसकी सुंदरता। ही फॉल्स इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट एंड सेज, वो कहता है उसका वर्णन करता है कि पहले नजर में कैसी लगी। शी वॉज नॉट वेरी ग्लैमरस, ग्लैमरस लड़की नहीं थी, इफ दैट इज वॉट यू एक्सपेक्ट, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो तो। बट शी डिड हैव ए फिगर, उसकी पर्सनैलिटी कह सकते हैं, स्लाइट एंड स्लेंडर वन, थोड़ी दुबली पतली, ब्यूटिफुली फैशन, आईज दैट स्पार्कल, आंखों में चमक थी, ए कॉम्प्लेक्स चेहरा, नॉट व्हाइट बट डस्की, थोड़ा सा काला सा कह सकते हो, सांवला कह सकते हो, विच मेड हर ओनली हाफ विजिबल एज इफ यू सॉ हर थ्रू ए फिल्म ऑफ टेंडर कोकोनट, जैसे कोकोनट जूस से आप उसको देखो तो आधी लग रही, वैसी उसकी पर्सनैलिटी, उसका इंप्रेशन पहला राजू की नजर में आता है। अब दूसरी बात, रोजी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड मार्को, पति से खुश नहीं है, अच्छे समझ नहीं है। He is a scholar interested in the study of ruins, खंडरों में जो मूर्तियां वगैरह होती है उसमें ज्यादा रुचि रखता है, उनके उस गुफाओं में। He takes no interest in his young and charming wife, कोई रुचि नहीं लेता। He is often harsh upon her, कई बार तो बहुत ही कटु शब्दों का इस्तेमाल या कह सकते हो उनके बीच में होता है। राजू at once smells that रोजी is unhappy with her husband, राजू तुरंत पहचान लेता है, जान लेता है इनके संबंध अच्छे नहीं है। The result is that soon Raju is able to win her over, और उसका परिणाम है तो राजू जल्दी उसको जीत लेता है उसका दिल। And many are the nights of love they pass together in their hotel room, बहुत से रातें साथ बिताते हैं। The husband stays on in the rest house of Mempi Hills, वो Mempi Hills में वहाँ रुकता है। Raju Roji relationship is not merely physical, ये केवल physical ही नहीं है। It is based in the similarity of temperament. उनका स्वभाव भी एक जैसा है। राजू एंड रोजी है much in common, दोनों में कई चीजें समान है। Both of them are romantic by nature, दोनों romantic है। राजू knows the aspiration of a young and beautiful girl, की क्या चाहती है युवा और सुंदर लड़की। He shows delight in whatever रोजी wants to do, जो भी राजू करना चाहते हैं उसमें रुचि दिखाता है। He wants to see a king cobra, राजू immediately arranges for it, उसके लिए प्रबंध कर देता कोबरा के लिए। She wants to watch wild animals prowling at night, रात को जंगली जानवरों को देखना चाहती है तो व्यवस्था कर देता है। He sits with her watching in the glass veranda, उसके साथ बैठा रहता है। He knows her needs and she understands what he desires, वो भी वो जान जाती है कि उसको भी किस चीज की आवश्यकता है। Soon Marco comes to know of their relationship, Marco को उनका सब पता लग जाता है। Roji, in addition to being a romantic, is also a Hindu wife. As such, she does her best to atone for unfaithfulness. वो एक हिंदू पत्नी भी है तो वो अपने पति से हर प्रकार की जो उसने बेवफाई की उसके लिए गलती के लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार कर हर प्रकार की कोशिश करती है। And is humble and repentant. वो पश्चाताप से भरी हुई है, विनम्र है। She even rejects Raju. Raju को भी reject कर देती है, angrily asking to get out of their life. Marco deserts her, परंतु मार्को उसको छोड़ जाता है, कहता है, "You are a woman who will go to bed with anyone that flatters your antics." जो भी तुम्हारे छोटे-छोटे कर्तव्यों की प्रशंसा करेगा, तो उसके साथ ही सो जाती है। ये बात बहुत बड़ी थी और रोजी को बहुत बुरा लगता है इससे। He does not know that he himself has got to be blamed for her aberration. जो भटकाव हुआ रोजी में, उसके लिए खुद जिम्मेवार है ये नहीं जानता था। On being discarded by her husband, जब उसके पति ने उसको त्याग दिया, रोजी has now no alternative but to go to Raju's door. रोजी के पास और कोई विकल्प नहीं होता और राजू के घर पे जाती है। राजू receives her with open arms, राजू उसका सम्मान करता है। They live under the same roof, रूप में रहते हैं। They snatch every possible opportunity to be in each other's arms, एक दूसरे के arm में रहने के हर प्रकार के अवसर का फायदा उठाते हैं। राजू's mother objects to Roji stay in her house, but Raju is always there to protect her. राजू की माँ आपत्ति करती है उसको, लेकिन राजू किसी की नहीं सुनता।
अल्टीमेटली जो है मदर लीव्स हर हस्बैंड हाउस, उसकी माँ घर छोड़ के चली जाती है, गोस्ट लिविंग ब्रदर अपने भाई के साथ गांव में रहने चली जाती है, राजू जो है जल्द ही फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में फंस जाता है और उसको अपनी रेलवे स्टाल भी बेचनी पड़ती है। Our Raju's love for Roji is far from being pure. लेकिन हम ये कहते हैं राजू का जो आकर्षण है वो शुद्ध सच्चा प्यार नहीं है रोजी के प्रति। जो नेक्स्ट स्टेज उनके रिलेशनशिप में आती है जब रोजी बहुत ही फेमस हो जाती है दूर दूर तक एक डांसर ग्रुप में, और राजू जो है उसका थिएटर मैनेजर और इम्पर्सेरियो जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें कि उसका सब सेक्रेटरी और सब कुछ वही बन जाता है। अब तक तो उनका लव और सेक्स का रिलेशनशिप था, डोमिनेट कर रहा था इन रिलेशनशिप में, अब पैसा भी आ गया डोमिनेट फैक्टर और वो पैसा डोमिनेट करता है। दे अर्न ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, खूब पैसा कमाते हैं, बट ऑल इज वेस्टेड बाय राजू इन ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, जुआ खेलने में, शराब पीने में सारा पैसा बर्बाद कर देता है। मेंटेनिंग ए लेविश स्टाइल ऑफ लिविंग, और अपना एक इस प्रकार का जीवन जिसमें अय्याश और लग्जरियस लाइफ ऐसा आराम का जीवन मेंटेन करने में बात कर देता है सारे पैसे। रोजी सफर्स फ्रॉम ए फीलिंग ऑफ वेरीनेस, रोजी को थोड़ा सा थकान होती है। सी लव्ड आर्ट फॉर आर्ट से, क्योंकि वो आर्ट को आर्ट के लिए पसंद करती थी, बट हियर इज आर्ट फॉर मनी से, लेकिन राजू ने आर्ट को पैसे के लिए बना दिया। क्लियरली देयर रिलेशनशिप हैज बिकम प्योरली अ मनी रिलेशनशिप, हम ये कह सकते हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो अब मनी का रिलेशनशिप हो गया। राजू रोजी रिलेशनशिप समाप्त होता है, इसके लिए आप मार्को का धन्यवाद दीजिए उसकी स्कीमों का, कि उसने पहले किताब भेजी रोजी के लिए, राजू उसको छिपा लेता है कि उसको डर था कि कहीं उसकी जीनियस को एडमायर करके वो वापस अपने पति मार्को के पास ले चले जाए, और वो जेलसी से इनसिक्योरिटी से भरा हुआ था, और यही कारण हुआ कि जब दूसरी बार जो पत्र आता है तो वो रोजी के सिग्नेचर वाउचर पर जारी कर खुद कर देता है ज्वेलरी बॉक्स लेने के लिए जो कि बैंक में था, मार्को पकड़ वो फोर्जरी करता है, और वो जब इसलिए करता है कि उसको डर था कि रोजी जो है अपने पति की उदारता को समझकर उसके पास न चली जाए। फोर्जरी आखिरकार डिटेक्ट हो जाए तो पता लग जाता है, राजू इज सेंटेंस्ड टू इयर्स इन प्रिजन, और राजू को 2 साल की सजा हो जाती है। रोजी डज हर बेस्ट टू डिफेंड हिम, उसको बचाने के लिए 24 घंटे का एक प्रोग्राम भी करती है, रात मेहनत भी करती है, वकील महंगे से महंगा वकील भी करती है, व्हेन द ट्रायल एंड्स इन एग्जीक्यूशन, परंतु उसका अब दोषी ठहराया जाता है और सी रिटर्न्स टू मद्रास टू लिव विद हर हस्बैंड, और वो अपने पति के पास चली जाती है मद्रास उसके साथ रहने के लिए। दस राजू रोजी रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड, इस प्रकार तो इस प्रकार राजू रोजी रिलेशनशिप का अंत हुआ, और राजू जो है अपना जेल में चला जाता है और रोजी अपने पति के पास, और राजू के बगैर रोजी जो है ज्यादा सफलता प्राप्त करती है, वो अपने सारा जो अफेयर है कह लीजिए अपने प्रोग्राम है खुद मैनेज करती है और अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करती है। ये दिखाता है कि राजू केवल उसके ऊपर एक पैरासाइट था उसकी कमाई पर। अब आता निष्कर्ष, निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैंटास्टिक और इनक्रेडिबल लगता है अविश्वसनीय दैट कि एक हाईली एजुकेटेड लड़की, कल्चर्ड सेंसिबल लड़की रोजी जैसी वो प्रेम में पड़ जाती है किससे, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति अनपढ़ गुड फॉर नथिंग लॉफर टाइप राजू के साथ। थोड़ा सा मतलब जोड़ी, ये जोड़ी भी थोड़ी सी असहज लगती है, जैसे मार्को और रोजी की समस्या क्या थी कि रोजी अपना कह लीजिए नाम कमाने के लिए उसने उससे शादी की, इसी प्रकार राजू रोजी की जोड़ी को अच्छी नहीं थी क्योंकि राजू अनपढ़ गुड फॉर नथिंग लोफर टाइप व्यक्ति था और वो बहुत ही पढ़ी हुई कल्चर डैम में पास थी। लेकिन नॉवलिस्ट ने इस प्रकार के विभिन्न तरीके अपनाए हैं, इस प्रकार का बैकग्राउंड तैयार कर दिया है कि उनका रिलेशनशिप क्रेडिबल हो जाता है, विश्वसनीय हो जाता है। फिर भी वो एक हिंदू वाइफ है और नॉवलिस्ट ने इस चीज को ध्यान में रखकर नॉवल लिखा, तो उसने
उसको कॉन्टेक्स्ट ऐसा दिया था कि वो इस चीज के लिए भी जा सके, यानी फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आउटसाइड मैरिज जा सके। उसके जो हस्बैंड है वो, क्योंकि वो ऐसा है जो कि मूर्तियों में, जो गुफाओं में और मंदिरों में, जो पत्थरों में, ये पहाड़ों में जो होती, उनमें ज्यादा रुचि रखता है जीवित पत्नी की बजाय। इस इन शॉर्ट हम कह सकते हैं राजू रोजी रिलेशनशिप जो है इस नॉवल का हार्ट एंड सेंटर ऑफ द नॉवल है। एंड उसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है रिलेशनशिप को। नॉवलिस्ट ने इसको बड़े जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, मेच्योरिटी के साथ, बड़ी निपुणता के साथ इस रिलेशनशिप को दर्शाया है। थैंक यू वेरी मच।